हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। इस करंट वीडियो सेशन में मैं बाइनरी ट्री और उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले बाइनरी ट्री क्या होते हैं। तो ये होते हैं बाइनरी ट्री। अगर आपको बाइनरी ट्रीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पहले वीडियोज में उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आपके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेसिकली बाइनरी ट्रीज वो होते हैं जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, हर एक पेरेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड दो होते हैं, मिनिमम जीरो या वन या मैक्सिमम दो होते हैं, उनको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका नोड स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। तो वो चीजें आप पहले जान लो, फिर ये वाला वीडियो रिज्यूम कर लेना। अभी हम देखते हैं बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पे हम हाइट कंसिडर करने वाले हैं, हाइट ऑफ द ट्री। अगर आपको हाइट क्या होता है वो पता नहीं है, लेवल क्या होता है वो पता नहीं है, इसका मतलब आपको ट्री टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे उसका भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, देन ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वन क्या बोलती है कि हर एक बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। अगर आपको हाइट पता है तो आप उसका नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हो विद द फॉर्मूला 2^h-1। 2^h आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर उससे 1 सब्सट्रैक्ट करके आपको जो काउंट मिलेगा वो हो गया आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं उस बाइनरी ट्री में, ये काउंट आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी टू जो है वो हम लेवल के हिसाब से फाइंड आउट करने वाले हैं। और इसमें हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि हर एक लेवल में कितने मैक्सिमम नोड्स है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे ट्री में कितने नोड्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक लेवल में कितने नोड्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ट्री का लेवल पता है, कौन सी लेवल पे अगर आपको फाइंड आउट करना है, वो लेवल आपको मदद करेगा उस लेवल पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में ये फिक्स होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टू चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं हर एक पेरेंट नोड के। यही इसकी खासियत को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर्टी डिजाइन की गई है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको जनरल ट्री पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनरल ट्री में ये फिक्स नहीं होता है कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हर एक पेरेंट नोड को हो सकते हैं, पर यहाँ पे ये फिक्स्ड होता है, इसलिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पूरे बाइनरी ट्री में कितने हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हर एक लेवल में कितने हो सकते हैं। तो लेवल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2^l-1। एल माइनस वन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टू द पावर द रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा कि हर एक लेवल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वन बाय वन में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी वन, जहां तक कि हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास हाइट अवेलेबल है। तो इस ट्री पे हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो इस ट्री का रूट नोड है वो हम अज्यूम करेंगे कि हाइट वन पे है, सेकेंड लेवल हाइट टू पे है, थर्ड लेवल हाइट थ्री पे है। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि लेवल वाइज हम हाइट वाइज हम नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइट वन। तो हाइट वन मतलब कि सिर्फ रूट नोड होता है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 2^height-1। 2^1 इज 2, -1 इज 1, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन होल ट्री। हियर
I am considering only this much tree for height 1 only. Next, I will move to the height 2. For that, I am considering this much tree only where the height is 2. For the height 2, what the property says? 2 raised to h minus 1, 2 raised to 2, 4 minus 1 is 3. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 3 हो गए. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 3 है. अभी मैं फुल ट्री कंसिडर कर रही हूँ जिस पे मेरा हाइट है 3. अगर मेरा हाइट 3 है, मेरे ट्री का हाइट 3 है, तो यहाँ पे 2 रेस टू एच इज नथिंग बट 2 रेस टू 3, ये हो गया 8 और माइनस 1 है 7. तो मेरे पूरे ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 7 है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो रही है अगर ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है. अगर आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री पता नहीं है तो आप फिर से मेरे वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री एक्सप्लेन किए हुए हैं. मैं यहाँ पे उसका शॉर्टकट लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ. तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स होते हैं. इससे ज्यादा इस लेवल हाइट की ट्री पे हो नहीं सकते हैं. अगर आप एक लेवल ग्रो करते हो, फोर्थ लेवल पे जाते हो, तो हाइट भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2+2+2+2 मतलब कि 8 मोर नोड्स होते हैं और 2 रेस टू 4 इज नथिंग बट 16 माइनस 1 15. सो तो ये हाइट अगर मैं बढ़ाती हूँ तो नेक्स्ट लेवल पे 8 नोड्स और अब तक के यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए 7 नोड्स. सो इसका मतलब है अगर मेरे ट्री का हाइट 4 होता है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स में हो सकते हैं 15. ये 7 अब तक के और नीचे आने वाले 8 नोड्स. सो 8 प्लस 7 इज 15. सो मैक्सिमम 15 नोड्स इस ट्री में हो सकते हैं अगर हाइट ऑफ बाइनरी ट्री 4 है. तो मैक्सिमम नोड्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि हर एक लेवल पे हम कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स है वो देख सकते हैं. तो फिर से वही ट्री मैं आपको बताऊंगी और वन बाय वन एक एक लेवल कंसिडर करके हम मैक्सिमम नोड उस लेवल पे कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास सिर्फ रूट नोड है जो कि लेवल 1 पे है. सिर्फ इतना मैं अगर कंसिडर करती हूँ तो 2 रेस टू 1 माइनस 1. अभी सबसे पहले मुझे एल माइनस 1 कैलकुलेट करना है. 1 माइनस 1 इज 0, 2 रेस टू 0 इज 1. इसलिए ये हो गए सिर्फ अ सिंगल नोड इफ ओनली कंसिडरिंग द लेवल 1. अभी लेवल 1 एंड 2 दोनों कंसिडर करते हैं. नहीं सॉरी, अभी यहाँ पे सिर्फ लेवल कंसिडर करना है. तो लेवल 2 मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ. तो इस लेवल 2 को कंसिडर करने के बाद हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? 2 रेस टू एल माइनस 1, 2 रेस टू 2 माइनस 1. पर 2 माइनस 1 हम पहले कैलकुलेट करेंगे विच इज 1 और 2 रेस टू 1 इज 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 2 में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो प्रेजेंट है वो है 2. अभी हम लेवल 3 पे जाएंगे. लेवल 3 पे कितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं? तो 2 रेस टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 रेस टू 2 इज 4. तो ये हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 4. अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लेवल एक और बढ़ाती हूँ, हर एक पेरेंट नोड को दो दो चाइल्ड अगर मैं अटैच करती हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ 8 नोड्स नेक्स्ट लेवल पे लेवल 4 पे हो सकते हैं. यहाँ पे हम फिर से वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2 रेस टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3. सो 2 रेस टू 3 इज 8. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 8. तो यहाँ पे हम अगर हर एक नोड को तो दो दो चाइल्ड नोड अटैच करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 नोड हो सकते हैं. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हर एक लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना ना भूलिए. यहाँ पे मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे मैं और नेक्स्ट वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो सीरीज का. और ये पूरा वीडियो सीरीज भी मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट के साथ शेयर कर रही हूँ. सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग. Thank you.